महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का, जो कि मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा उज्जैन जंक्शन, और यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर आप इंदौर जंक्शन आ सकते हैं, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है, जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले रामघाट में जाकर स्नान करना चाहिए, और उसके बाद महाकाल के दर्शन करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जहाँ स्टे कर रहे हैं वहीं रेडी होकर डायरेक्ट दर्शन के लिए जा सकते हैं। उज्जैन की नगरी में जो कोई आता है वह रामघाट पर जरूर आता है, क्योंकि श्री रामघाट से ही पवित्र नदी शिप्रा बहती है, और शिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। जय श्री महाकाल। स्नान के बाद दर्शन के लिए सबसे पहले आपको आना होगा बड़ा गणेश मंदिर रोड पर। यहाँ पर ऑफिशियल शीघ्र दर्शन के लिए सुविधा है, और यहाँ पर आप VIP दर्शन के लिए आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन देना होगा, और 10 साल के बच्चों का कोई चार्ज नहीं लगता है। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, सो आपको डिपॉजिट करना होगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हमने शीघ्र दर्शन का पास लिया और दर्शन के लिए रेडी हो गए महाकाल के दिव्य दर्शन के लिए। या मैंने सर पे तिलक लगवा लिया है महाकाल का, और चंदन का तिलक जो होता है, जो बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है इसकी, और सर पे बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है। चलिए अब करते हैं महाकाल का दर्शन। बोलिए जय श्री महाकाल। हमें 15 मिनट में दर्शन मिल गया महाकाल का, और नॉर्मल लाइन में आपको 1 से 4 घंटे तक का समय लग सकता है। मोबाइल अलाउड नहीं था, सो मंदिर के अंदर का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंतिका नगरी हुआ करता था, और उस समय यहाँ पर काफ़ी सारे ब्राह्मण थे जो भगवान शिव की पूजा और उनकी तपस्या करते थे। तब यहाँ पर एक राक्षस आया जिसका नाम दूषण था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, और उसी शक्ति के घमंड में उसने यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया। और यह देखकर ब्रह्मा जी काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि यह वरदान उन्होंने ही दिया था। तो फिर ब्रह्मा जी ने इस राक्षस के अत्याचार से लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। फिर भगवान शिव ने उस राक्षस को चेतावनी दी, लेकिन वह राक्षस ताकत के नशे में चूर था और उसे वरदान प्राप्त था तो वह नहीं माना, वह अत्याचार करता रहा। यह देखकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने धरती फाड़कर महाकाल का अवतार लेकर दूषण का वध किया, इसलिए शिव जी महाकाल कहलाए। यहाँ का जो शिवलिंग है वह दक्षिण मुखी है, और दक्षिण जो दिशा होती है वह यमराज की होती है, इसलिए इसे महाकाल कहा जाता है। जय श्री महाकाल। भस्म आरती की बुकिंग के लिए आपको 3 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर एजेंट। भस्म आरती का जो समय है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है, और दिन में एक ही बार होता है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको श्रीमहाकालेश्वर.com पे जाके बुकिंग करना पड़ता है, और वो सुबह 8 बजे खुलता है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको भारत माता मंदिर के पास जाके वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ता है, और रात को लाइन में लगना पड़ता है 12 से 1 बजे के आसपास, और यह बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप एजेंट के साथ बुक करते हैं तो ट्रेवल के पहले ही एजेंट के साथ बुक कर लीजिए, और इसका कुछ चार्ज 1500 से 2000 रुपये तक होता है। इसमें एक दिन की बचत होती है। महाकाल का दर्शन करने के बाद बाहर आने पर बड़ा गणेश जी का मंदिर दिखेगा, यहाँ पर भी दर्शन अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। सुबह के दर्शन के बाद अब हमको लग रही थी भूख, और हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल गए उज्जैन के और मंदिरों के दर्शन के लिए। उज्जैन के राजा महाकाल का दर्शन करने के बाद उनके कोतवाल श्री काल भैरव के दर्शन कैसे भूल सकते हैं। हमने ई रिक्शा हायर किया, और जो लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए उज्जैन के और भी प्राचीन मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, और इसका चार्ज कुछ 400 रुपीज था, और इसको 3 घंटे का समय लगता है। अभी हमें गढ़ कालिका मंदिर, माँ काली का यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है।
उज्जैन में दो शक्तिपीठ हैं, एक गढ़ कालिका मंदिर और दूसरा हर सिद्धि माता मंदिर, जो हम शाम में जाएंगे। यहाँ माता सती का अंश फूट गिरा था और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था और 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इन्हें तांत्रिकों की देवी भी माना जाता है। जय माता दी। शिप्रा नदी को पार करते हुए हम आ गए हैं अभी स्थिर मन गणेश मंदिर। इस मंदिर की स्थापना स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों द्वारा की गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अवंतिका नगरी पधारे थे, तब मन की स्थिरता एवं शांति के लिए सीता माँ के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थिर मन गणेश मंदिर की स्थापना की गई थी और यहाँ दर्शन लाभ से मन को शांति एवं स्थिरता मिलती है। अगर आप उज्जैन में हैं और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए श्री काल भैरव का दर्शन अवश्य करें। कुछ इस तरह से बैरिकेड से काफ़ी घूमते हुए आपको जाना पड़ता है मेन मंदिर परिसर में। हमको यहाँ पे 2 घंटे लग गए दर्शन के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे वाइन शॉप भी दिख जाएंगे, क्योंकि काल भैरव को मदिरा या शराब भी चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। महाकाल को जैन का राजा तो काल भैरव को उनका सेनापति या कोतवाल कहा जाता है। यह मंदिर उज्जैन नगरी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि यह 6000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ एक दीप स्तंभ है जहाँ भक्तगण अपनी मनोकामनाओं से सिक्का छिपकाते हैं। काल भैरव के दर्शन के बाद अभी हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यहाँ मंदिर के 2 फ्लोर्स हैं और फर्स्ट फ्लोर पर मंगल ग्रह की पूजा होती है। और सेकंड फ्लोर पर मंगलनाथ मंदिर है। अभी हम दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं और यहाँ पे हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यह देखिए मंगल ग्रह का सवारी मेष या मेढा जिसे बोला जाता है, और यह मंगलनाथ का श्रृंगार हो रहा है। हर हर महादेव। मंदिर के पीछे शिप्रा नदी के किनारे यह घाट है, जिसे मंगल घाट भी कहा जाता है। इस मंदिर में मांगलिक और मंगल दोष की पूजा होती है। ये है सांदीपनी आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा को पढ़ाया था, उनको दीक्षा दी थी। जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु में यहाँ आए थे, तब महादेव खुद खड़े होकर उनका स्वागत किया था और महादेव को देख के उनके नंदी वो भी खड़े हो गए थे। तो कुंडेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे नंदी खड़े हुए दिखेंगे, बाकी सब मंदिर में बैठे हुए दिखते हैं। मंदिर के ठीक सामने ही श्री कृष्ण की प्रमुख पाठशाला थी, जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो वहाँ का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। के लिए पांचीर द्राक्षी त्राण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री सर्वेश्वराय नमस्तुभ्यम करो दर्शनी भूमिषोत्पन्न शिवलिंग के द्वापर के चयार्थल पाजी। आश्रम के प्रांगण में ही श्री कृष्ण की 64 कलाओं और 14 विद्याओं की दीर्घा थी, ये आप देख सकते हैं।
आश्रम प्रांगण में ही गोमती कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भक्ति का स्मरण कराता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। शाम होने वाली थी और हम वापस महाकाल के पास बड़ा गणेश मंदिर रोड पर आ गए। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर विक्रम टीला है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। विक्रम टीला से महाकाल के गर्भगृह का शिखर दिख रहा है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है शाम के समय। विक्रम टीला पर विक्रमादित्य का सिंहासन और उनके मंत्रिमंडल के 9 रत्नों को दिखाया गया है और यहाँ विक्रमादित्य के सिंहासन बेताल 32 के अवशेष हैं जहाँ वो बैठकर न्याय करते थे। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर हरसिद्धि माता मंदिर है जो 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ संध्याकालीन आरती देखने के लिए बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा होते हैं। आरती की तैयारियाँ शाम 5 बजे से शुरू होती हैं और वीडियो में आप देख सकते हैं कि माता के भक्तगण स्तंभ पर चढ़कर दीप प्रज्वलित करते हैं और मंदिर में आरती का समय शाम 7 बजे का है। उज्जैन नगरी में शाम में पवित्र शिप्रा नदी की आरती भी होती है। उसके लिए आपको शाम को 6 बजे तक रामघाट आना होगा और जो महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको बोटिंग भी करनी है तो थोड़ा जल्दी आकर कर सकते हैं, उसके बाद शाम की आरती देख सकते हैं। यह वही रामघाट है जहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है और यहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं जैसा कि हर घाट में देखने को मिलता है। उज्जैन में रहने के लिए महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है और यहाँ पर आपको अफोर्डेबल रेट्स में रूम्स मिल जाएंगे या फिर आप प्राइवेट होटल्स में बुकिंग कर सकते हैं। प्राइवेट होटल्स महाकाल रोड पर लेना चाहिए और यहाँ से मंदिर बिल्कुल पास में रहेगा और मारमेर मार्केट के पास आपको खाने की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर रूम्स आपको 600 रुपये से लेकर 2000 तक रूम्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल। Please like and subscribe my channel. Thank you.